वेलकम टू माय चैनल अर्चना कैन कुक। आज मैं चटपटे आलू प्याज की सूखी सब्जी बनाऊंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो उन्हें दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। मैंने 4 आलू उबले हुए लिए हैं, कड़ी पत्ता लिया है, 2 प्याज बड़े लिए हैं, 1 हरी मिर्च ली है और सूखे मसाले हैं इसमें सरसों या मस्टर्ड या राई जिसे बोलते हैं वो, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, तेल। सब्जी बनाने के लिए आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सरसों का हो, मूंगफली का हो। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। सब्जी बनाने के लिए जो उबले हुए आलू लिए हैं इन्हें हम मैश करेंगे। थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे, बहुत बारीक मैश नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह मैश होके तैयार हो गया हमारा मसाला। आलू प्याज की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके लिए सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई लीजिए, अगर स्टील की है तो भारी होनी चाहिए जिससे आलू नीचे चिपके नहीं, या आप नॉन स्टिक कढ़ाई ले लीजिए। इसे गैस पे रखिए और गैस जलाएंगे। अब इसमें तेल डालिए, करीब 3 टीस्पून तेल लिया है। तेल आप अपने हिसाब से डाल लीजिए और इसे गर्म होने दीजिए। तेल गर्म हो गया है, इसे सिम पे करेंगे और आधा चम्मच के करीब राई डालेंगे। राई बहुत गोल होती है, इसे ढक दीजिए। अब इसमें प्याज जो कि लंबा कटा हुआ है वो डालेंगे। जब प्याज हल्की सी लाल होने लगे तो इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दीजिए। कड़ी पत्ते की बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और इसका एक अपना टेस्ट भी होता है, ये बहुत ही फायदा करता है। इसलिए कड़ी पत्ता निकाला मत करिए, इसे खा लीजिए सब्जी के साथ ही। प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है, ट्रांसपेरेंट सी हो गई है। अब इसमें मैं पहले हल्दी डालूंगी करीब 1/4 चम्मच और लाल मिर्च 1/2 चम्मच। आप मिर्च वेरी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये पहले इसमें डाली ताकि ये थोड़ी भुन जाएगी। अब इसमें उबले हुए फूटे हुए आलू डालेंगे। आंच धीमी कर लीजिए।
धनिया पाउडर एक चम्मच के करीब, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और इन्हें अच्छी तरह मिला लीजिए। धीमी आंच पर ही बनाएं और सब्जी को हिलाते रहें। हमारे आलू की सब्जी करीब करीब तैयार हो गई है। देखिए ये सिक गए हैं, तो ये कढ़ाई छोड़ने लगे, कढ़ाई में चिपक नहीं रहे। अब इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे। थोड़ा अमचूर अच्छा रखिए, जिससे कि चटपटा टेस्ट आएगा। ये सब्जी बनाने में बहुत आसान है, इसे आप टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आती है। अच्छे से अमचूर को मिक्स कर लीजिए। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इस सब्जी को पूरी के साथ, पराठे के साथ ले जा सकते हैं। अच्छा भुना हुआ आलू होता है तो ये जल्दी से खराब भी नहीं होता है। देखिए सब मसालों का, हल्दी का कितना अच्छा रंग आया है। सब्जी हमारी भून के तैयार हो गई है। इसे गैस पे 4-5 मिनट छोड़ दीजिए, गैस बंद करके और ढक के छोड़िए। सब्जी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे आप गर्मा गर्म पराठा, चपाती, पूड़ी किसी भी किसी के साथ सर्व करिए। आप सब्जी की गार्निशिंग हरे धनिये के साथ भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वेलकम टू माई चैनल अर्चना कैन कुक। आज मैं चटपटे आलू प्याज की सूखी सब्जी बनाऊंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो उन्हें दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। मैंने 4 आलू उबले हुए लिए हैं, कड़ी पत्ता लिया है, 2 प्याज बड़े लिए हैं, 1 हरी मिर्च ली है, और सूखे मसाले हैं इसमें सरसों या मस्टर्ड या राई जिसे बोलते हैं वो, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, तेल। सब्जी बनाने के लिए आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सरसों का हो, मूंगफली का हो। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। सब्जी बनाने के लिए जो उबले हुए आलू लिए हैं इन्हें हम मैश करेंगे। थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे, बहुत बारीक मैश नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह मैश होके तैयार हो गया हमारा मसाला। आलू प्याज की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके लिए सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई लीजिए, अगर स्टील की है तो भारी होनी चाहिए जिससे आलू नीचे चिपके नहीं, या आप नॉन स्टिक कढ़ाई ले लीजिए। इसे गैस पे रखिए और गैस चलाएंगे। अब इसमें तेल डालिए, करीब 3 टीस्पून तेल लिया है, तेल आप अपने हिसाब से डाल लीजिए और इसे गर्म होने दीजिए।
तेल गर्म हो गया है, इसे सिम पे तलेंगे और आधा चम्मच के करीब राई डालेंगे। राई बहुत गोल टूटती है तो ढक दीजिए। अब इसमें प्याज जो कि लंबा कटा हुआ है वो डालेंगे। और इसे फ्राई करेंगे। आँच धीमी या मीडियम रहने दीजिए और प्याज को चलाते रहिए। जब प्याज हल्की सी लाल होने लगे तो इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दीजिए। कड़ी पत्ते की बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और इसका एक अपना टेस्ट भी होता है। ये बहुत ही फायदा करता है, इसलिए कड़ी पत्ता निकाला मत करिए, इसे खा लीजिए सब्जी के साथ। प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है, ट्रांसपेरेंसी हो गई है। अब इसमें मैं पहले हल्दी डालूंगी करीब 1/4 चम्मच और लाल मिर्च 1/2 चम्मच। आप मिर्च वेरी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये पहले इसमें डाली ताकि ये थोड़ी भुन जाएगी। अब इसमें उबले हुए फूटे हुए आलू डालेंगे। आँच धीमी कर लीजिए। धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और इन्हें अच्छी तरह मिला लीजिए। धीमी आंच पर ही बनाए और सब्जी को खिलाते रहें। हमारे आलू की सब्जी करीब करीब तैयार हो गई है। देखिए ये सिक गए हैं तो ये कढ़ाई छोड़ने लगे, कढ़ाई में चिपक नहीं रहे। अब इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे। थोड़ा अमचूर अच्छा रखिए जिससे कि चटपटा टेस्ट आएगा। ये सब्जी बनाने में बहुत आसान है, इसका आप टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आती है। अच्छे से अमचूर को मिक्स कर लीजिए। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इस सब्जी को पूरी के साथ, पराठे के साथ ले जा सकते हैं। अच्छा भुना हुआ आलू होता है तो ये जल्दी से खराब भी नहीं होता है। देखिए सब मसालों का, हल्दी का कितना अच्छा रंग आया है। सब्जी हमारी भून के तैयार हो गई है। इसे गैस पे 4-5 मिनट छोड़ दीजिए, गैस बंद करके और ढक के छोड़िए। सब्जी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे आप गर्मा गर्म पराठा, चपाती, पूड़ी किसी भी सब किसी के साथ सर्व करिए। आप सब्जी की गार्निशिंग हरे धनिये के साथ भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
वेलकम टू माय चैनल अर्चना कैन कुक। आज मैं चटपटे आलू प्याज की सूखी सब्जी बनाऊंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो उन्हें दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। मैंने चार आलू उबले हुए लिए हैं, कड़ी पत्ता लिया है, दो प्याज बड़े लिए हैं, एक हरी मिर्च ली है और सूखे मसाले हैं इसमें सरसों या मस्टर्ड या राई जिसे बोलते हैं वो, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, तेल। सब्जी बनाने के लिए आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सरसों का हो, मूंगफली का हो। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। सब्जी बनाने के लिए जो उबले हुए आलू लिए हैं इन्हें हम मैश करेंगे। थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे, बहुत बारीक मैश नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह मैश होके तैयार हो गया हमारा मसाला। आलू प्याज की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके लिए सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई लीजिए, अगर स्टील की है तो भारी होनी चाहिए जिससे आलू नीचे चिपके नहीं, या आप नॉन स्टिक कढ़ाई ले लीजिए। इसे गैस पे रखिए और गैस जलाएंगे। अब इसमें तेल डालिए, करीब 3 टीस्पून तेल लिया है। तेल आप अपने हिसाब से डाल लीजिए और इसे गर्म होने दीजिए। तेल गर्म हो गया है, इसे सिम पे करेंगे और आधा चम्मच के करीब राई डालेंगे। राई बहुत गोल होती है, इसे ढक दीजिए। अब इसमें प्याज जो कि लंबा कटा हुआ है वो डालेंगे। जब प्याज हल्की सी लाल होने लगे तो इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दीजिए। कड़ी पत्ते की बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और इसका एक अपना टेस्ट भी होता है, ये बहुत ही फायदा करता है। इसलिए कड़ी पत्ता निकाला मत करिए, इसे खा लीजिए सब्जी के साथ। प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है, ट्रांसपेरेंट सी हो गई है। अब इसमें मैं पहले हल्दी डालूंगी करीब 1/4 चम्मच और लाल मिर्च 1/2 चम्मच। आप मिर्च वेरी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये पहले इसमें डाली ताकि ये थोड़ी भुन जाएगी। अब इसमें उबले हुए फूटे हुए आलू डालेंगे। आंच धीमी कर लीजिए।
धनिया पाउडर एक चम्मच के करीब, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और इन्हें अच्छी तरह मिला लीजिए। धीमी आंच पर ही बनाए और सब्जी को हिलाते रहें। हमारे आलू की सब्जी करीब करीब तैयार हो गई है। देखिए ये सिक गए हैं तो ये कढ़ाई छोड़ने लगे, कढ़ाई में चिपक नहीं रहे। अब इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे। थोड़ा अमचूर अच्छा रखिए जिससे कि चटपटा टेस्ट आएगा। ये सब्जी बनाने में बहुत आसान है, इसे आप टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आती है। अच्छे से अमचूर को मिक्स कर लीजिए। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इस सब्जी को पूरी के साथ, पराठे के साथ ले जा सकते हैं। अच्छा भुना हुआ आलू होता है तो ये जल्दी से खराब भी नहीं होता है। देखिए सब मसालों का, हल्दी का कितना अच्छा रंग आया है। सब्जी हमारी भून के तैयार हो गई है। इसे गैस पे 4-5 मिनट छोड़ दीजिए, गैस बंद करके और ढक के छोड़िए। सब्जी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे आप गर्मा गर्म पराठा, चपाती, पूड़ी किसी भी किसी के साथ सर्व करिए। आप सब्जी की गार्निशिंग हरे धनिये के साथ भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वेलकम टू माई चैनल अर्चना कैन कुक। आज मैं चटपटे आलू प्याज की सूखी सब्जी बनाऊंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो उन्हें दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। मैंने 4 आलू उबले हुए लिए हैं, कड़ी पत्ता लिया है, 2 प्याज बड़े लिए हैं, 1 हरी मिर्च ली है, और सूखे मसाले हैं इसमें सरसों या मस्टर्ड या राई जिसे बोलते हैं वो, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, तेल। सब्जी बनाने के लिए आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सरसों का हो, मूंगफली का हो। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। सब्जी बनाने के लिए जो उबले हुए आलू लिए हैं इन्हें हम मैश करेंगे। थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे, बहुत बारीक मैश नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह मैश होके तैयार हो गया हमारा मसाला। आलू प्याज की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके लिए सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई लीजिए, अगर स्टील की है तो भारी होनी चाहिए जिससे आलू नीचे चिपके नहीं, या आप नॉन स्टिक कढ़ाई ले लीजिए। इसे गैस पे रखिए और गैस जलाएंगे। अब इसमें तेल डालिए, करीब 3 टीस्पून तेल लिया है, तेल आप अपने हिसाब से डाल लीजिए और इसे गर्म होने दीजिए।
तेल गर्म हो गया है, इसे सिम पे करेंगे और आधा चम्मच के करीब राई डालेंगे। राई बहुत गोल टूटती है तो ढक दीजिए। अब इसमें प्याज जो कि लंबा कटा हुआ है वो डालेंगे। आँच धीमी या मीडियम रहने दीजिए और प्याज को चलाते रहिए। जब प्याज हल्की सी लाल होने लगे तो इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दीजिए। कड़ी पत्ते की बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और इसका एक अपना टेस्ट भी होता है, ये बहुत ही फायदा करता है, इसलिए कड़ी पत्ता निकाला मत करिए, इसे खा लीजिए सब्जी के साथ। प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है, ट्रांसपेरेंसी हो गई है। अब इसमें मैं पहले हल्दी डालूंगी करीब 1/4 चम्मच और लाल मिर्च 1/2 चम्मच। आप मिर्च वेरी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये पहले इसलिए डाली ताकि ये थोड़ी भुन जाएगी। अब इसमें उबले हुए फूटे हुए आलू डालेंगे। आँच धीमी कर लीजिए। धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और इन्हें अच्छी तरह मिला लीजिए। धीमी आंच पर ही बनाए और सब्जी को खिलाते रहें। हमारे आलू की सब्जी करीब करीब तैयार हो गई है। देखिए ये सिक गए हैं तो ये कढ़ाई छोड़ने लगे, कढ़ाई में चिपक नहीं रहे। अब इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे। थोड़ा अमचूर अच्छा रखिए जिससे कि चटपटा टेस्ट आएगा। ये सब्जी बनाने में बहुत आसान है, इसका आप टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आती है। अच्छे से अमचूर को मिक्स कर लीजिए। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इस सब्जी को पूरी के साथ पराठे के साथ ले जा सकते हैं। अच्छा भुना हुआ आलू होता है तो ये जल्दी से खराब भी नहीं होता है। देखिए सब मसालों का, हल्दी का कितना अच्छा रंग आया है। सब्जी हमारी भून के तैयार हो गई है। इसे गैस पे 4-5 मिनट छोड़ दीजिए, गैस बंद करके और ढक के छोड़िए। सब्जी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे आप गर्मा गर्म पराठा, चपाती, पूड़ी किसी भी सब किसी के साथ सर्व करिए। आप सब्जी की गार्निशिंग हरे धनिये के साथ भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।